कोविड-19 महामारी के दौर में शिक्षा और अन्य विधाएं प्रभावित हुई हैं। ऐसे में दिव्यांग बच्चों की विशेष शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है। इस महामारी के दौरान दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने की एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को अवसर में बदलने का एक संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में आज से 2 दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजन के लिए सार्वभौमिक डिजाइन अग्रिम योजनाएं विषय पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत का आयोजन किया गया है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राउत ने बताया कि इसका लाइव प्रसारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की विवरण पुस्तिका भी सार्वभौमिक डिजाइन पर आधारित है। ये प्रिंट प्लेटफॉर्म ऑडियो फॉर्म वीडियो लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। 9 देशों के विशेषज्ञ इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ये जो अधिवेशन हो रहा है ये 2 दिन का है, इसमें लगभग 9 देशों के पार्टिसिपेंट्स सहभागिता दे रहे हैं और 9 देशों से वक्ता भी आए हैं। यहाँ हर तरह के विषय पे चर्चा होगी, खासकर यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के विषय में चर्चा होगी। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी कक्षा में जाएं तो किस तरह अपनी बात रखें कि हर बच्चा पढ़ सके। उदाहरण दे देता हूँ, ये हम लोगों ने तैयार किया था, ये हिंदी की वर्णमाला की किताब है आई, और इसे अगर आप खोल के देखें कोई भी पन्ना तो ऐसे गासे गमला बनता है, गासे गमला दिखाया गया है इसमें। लेकिन यही बात ब्रेल में भी बताई गई है, गासे गमला कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, गासे जो शब्द होते हैं उसके बारह खड़ी थे उनके कॉम्बिनेशन भी दे दिए गए हैं, और ग से अगर कोई दोहा हो, बोलते ना शिक्षा संस्कारों के बिना, तो यहाँ शिक्षा संस्कार सहित दिया जा रहा है। तो ये किताब जो दृष्टि दिव्यांग है वो भी पढ़ सकता है, जो श्रवणबाधित है वो भी पढ़ सकता है, जो आम है वो भी पढ़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।